हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। में आप सभी को स्वागत है। कैसे आप लोग, आए हो बच्चे होंगे? मैं भी अच्छी हूँ गाइज। और बच्चे मेरा देखिए क्या पकड़ के बैठे हैं इन लोगों को कुछ आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। और गाइज, ये मेरा एटीएम कार्ड आया है जो कि मैंने अप्लाई किया, नया खाता खोला था उसका एटीएम है ये। तो बाबू ये ओपन कर रहा है, देखिए। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ आज का दिन कैसा जा रहा है मेरा। तो कंटिन्यू ब्लॉग में रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। सच में एटीएम कार्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें इंडियन फाइनली गाइस मेरा एटीएम कार्ड आ गया। अभी मैं एटीएम यूज करूँगी। वैसे भी मेरा और एक एटीएम है, यहाँ पे ही है, देख सकते हैं। ये एक एटीएम है जो 5 साल के बाद फिर से अप्लाई करूँगी। थैंक यू दो दिन से बोल रहा है मर्दन, मुझे ऐसा बोल रहा है मर्दन। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है मर्दन पहले नहीं बोलता था, अब बोल रहा है मर्दन। कितना प्यार से बोलता है गो। वाह, कोई होता है मेरे को बोलता है कि नहीं बोलता है? ये भी रख, उसको भी, उसको वो किधर गया? हाँ, वो अपना घर में, ओ नहीं, ये वाला मेरा मोबाइल का कवर भी आ जाएगा तो मैं दो दो एटीएम लेके घूमूंगी उसमें। अमीर हो गई, पापा नया मोबाइल लेंगे, ये एटीएम वो यूज करेगा, बाद में वो मुझे बोलेगी थैंक यू गो, एटीएम देने के बदले थैंक यू गो, बोलेगा कि नहीं पापा तेरा? क्यों सही है, थैंक यू धना एटीएम देने के लिए, थैंक यू धना। क्योंकि हम लोग उसका एटीएम यूज करते हैं। हम मैं हूँ उसका एटीएम यूज करने वाली, यही शक्ल वाली बताइए। तो इसके वजह से मैं उसका एटीएम यूज करूँगी, वो मेरा एटीएम यूज करेगा, तो कौन कितना पैसा रख रहा है उसको एक दूसरे को पता चलेगा। सो इसलिए हम लोग एक दूसरे का एटीएम यूज करेंगे। दो लंबू को 10 रुपया। चलिए अभी लंबू पानी बना के पीती हूँ। नहीं, पहला वो डाल सोडा, इसको हटा पहला, इसका मुंह मत लगाने दे। नहीं तो उधर रख के आ जा, सुबह से आ जाए बाहर। छोड़ा, बाद में लींबू, चाकू ले क्या भाई? अरे ताकत है ना। सुबह सुबह हम लोग नहा धो के, देखिए गाइस कपड़ा भी सूखा लिया है और यहाँ पे पूजा भी कर लिया है हमारा। सो गाइस, हमारा लींबू पानी बन गया, अब पियेंगे थोड़ा, उसके बाद काम करेंगे। और काम खत्म होता है, काम तो पैदा होता रहता है। नीचे ये बकेट मेरे मम्मी ने दी थी। बस सबको होना चाहिए बराबर। बहुत गर्मी हो रहा है गाइस, गर्मी की वजह से न्यूज़ में दिखा रहे हैं आदमी लोग कितना मर रहे हैं। इसके लिए घर पे थोड़ा सा ऐसा ठंडा पानी पिया करिए, नींबू पानी पिया करिए, शरबत पानी पिया करिए और घर पे रहिए।
गाइस देखिए, चलो पियो कैसा लग रहा है बनाया हुआ नींबू पानी पूरा स्पून। डियर कस्टमर, 5 लाख का लोन आपका खाता में। डेली डेली यही सुनने चाहते हैं बेटा रे लोन रोटा। हाँ डियर कस्टमर, हाँ चीनी पानी डाल नहीं तो। चलो गाइज हम थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं, नींबू पानी पी के मज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और ये दौड़ सो गाइज, तो देखिए मैं खुद से लगाई हूँ पैर में मेहंदी, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या कर तो रे तू, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ब्लैक कलर वाव, ऑरेंज वाव, वाव 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 वाव, अरे पिजेंडा कलर, ओ माय गॉड वाव, एंड माय फेवरेट पर्पल पर्पल। फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया, सब काम खत्म करके, बट अभी खाना पका रही हूँ। और सुबह से तो आप लोग देखें क्या क्या मैंने किया, और ये देखिए इसको, गर्मी भी तो इतना हो रहा है तो क्या करेंगे, इसी शॉर्ट कपड़ा में जाओ बंद कर लूँ तो शॉर्ट कपड़ा में ही रहना अच्छा लग रहा है, इतना गर्मी हो रहा है। इसलिए हम लोग सुबह नींबू पानी बना के भी पिए, और मेरा जो कार्ड भी आया था वो भी हमने रिसीव किए, मेरा कार्ड का वैलिडिटी चला गया, कार्ड का मेरा वैलिडिटी चला गया, इसके वजह से मुझे अच्छा हुआ कि जिस दिन मेरा वैलिडिटी चला गया उसी दिन नया कार्ड भी आ गया, तो मुझे अप्लाई करके और महीना या 15 दिन रुकना नहीं पड़ा, और दूसरा ATM मैंने यूज चालू कर दिया, यूज कर दिया, इसलिए मैं उसको भी अप्लाई की हूँ, आएगा वो 10-15 दिन में। और मेरा वो 5 साल का वारंटी था, बट अभी का 4 साल है, अभी का भी 5 साल ही है, तो दो दो मेरे पास है ATM, तो पैसा तो है नहीं लेकिन ATM मेरा दो दो है। अब इसका भी ATM आने वाला है, आ गया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने आप वो स्पेस हो गया है, तो हम लोग कभी अप्लाई नहीं किया, अपने आप हो गया अप्लाई, क्योंकि इसको 15 साल कंप्लीट हुआ इसलिए शायद बैंक में से अप्लाई हो गया, हम लोग कुछ किया नहीं था तो इसकी वजह से। और गाइस मैं सोच रही हूँ जिम और ज्वाइन होने के लिए, तो बच्चे क्या बोलना चाहोगे जिम जाऊँ? तो मैं जाके इसके पापा के साथ बात करके भी आ गई हूँ, और पापा भी इसका बोल रहे थे, उनका कंपनी का बहुत लड़के लोग जाते हैं और बोलते हैं सच में जिम अच्छा है, 3 महीना का डिपॉजिट एक साथ, 3 महीना का डिपॉजिट एक ही साथ देंगे तो थोड़ा सा पैसा कम होता है, और महीना महीना जाएंगे तो 900 रुपया होता है, और 3 महीना का जाएंगे एक बार देंगे तो 2800 रुपया होता है, तो 200 या 300 कुछ ये है, तो क्या करूँ, अभी जाऊँगी या नहीं जाऊँगी? मैं बात करके आई हूँ जिम ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि मेरा डबल चिक आ गया है, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आपका डबल चिक आ गया, पहले ऐसा नहीं थे आप पूरा फिट थे, अभी बहुत हो गए हैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया कि बच्चे मेरा ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए मुझे जिम ज्वाइन होना है, तो और 2 महीना के बाद जाऊँगी, 2 महीना क्योंकि अभी इनका स्कूल 4 तारीख को खुल जाएगा, और बच्चों का थोड़ा सा अरेंज भी करना है, और बारिश भी बहुत होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए इन लोगों को देने के लिए, तो मैं 2 महीना तो जाऊँगी नहीं, और कंटिन्यू बारिश होता है गोवा में, 2-3 महीना कंटिन्यू बारिश होता है, इसकी वजह से मैं 2-3 महीना नहीं जाऊँगी, उसके बाद मैं ज्वाइन होंगी, तो जून जुलाई अगस्त अगस्त को मैं ज्वाइन होने वाली बात करता है, तो अगस्त से आप लोगों को जिम का भी ब्लॉग और जिम का वीडियोस मिल जाएगा, आप लोग जरूर से देख लीजिए, देखिएगा अभी नहीं बात बस वही है, और जो जिम करके मैं आऊँगी इसको सिखाऊंगी, ये वैसे भी फिट है, देखिए देख सकते हैं आप लोग मेरा लड़का ऐसा भी फिट है, और जिम का जरूरत नहीं है इसको, ये इसका पीटी सर स्कूल में सब सामान रखे हैं एक्सरसाइज का, तो बच्चे लोग वही स्कूल में इंटरवल टाइम में थोड़ा थोड़ा टाइम लेके करते हैं, तो ये देखिए वो फिट है, और लंबा हमसे भी बहुत हो गया है, ये हमारा खानदान में कौन इतना लंबा है, पापा का लंबा हो रहा है, लड़की भी लंबी हो रही है, इसका पापा में हो रही है, वो मेरे से छोटी तेरे से उम्र में, तो गाइस अभी चलिए चिकन इसका पापा बना रहे हैं, हम लोग सब कुछ रेडी करके दे दिया, तो मैंने चावल बना लिया और वो चिकन बना रहे, मुझे चिकन के साथ चावल बहुत पसंद आता है, इनको रोटी पसंद आता है, देखा इसको चपाती, इसका पापा को चपाती, बट इस गर्मी में कौन जाके चपाती लाटेगा, इतना आधा घंटा उधर खड़ा हो, बेलते रहो बनाते रहो, कोई हेल्प नहीं करते हैं, इसकी वजह से हाँ तू बहुत करता है, इसकी वजह से मैंने चपाती खाना बंद कर दिया है, अभी गर्मी खत्म होने के बाद ही मैं चपाती खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी चपाती, तो इनको अभी स्कूल भी स्टार्ट हुआ तो चपाती बनाना पड़ेगा, सुबह सुबह उनको चपाती बना के स्कूल में देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अभी बंद कर दी हूँ चपाती खाना, इसलिए शायद दोनों टाइम चावल खा खाते इतना मोटी हो गए, तो अब जिम जाऊंगी ना तो मेरा तो बॉडी अभी देखने का लायक हो जाएगा, चलिए गाइस अभी थोड़ा सा हम स्टॉप कर लेते हैं खाना खाते, मेरा मस्ती करना बंद कर दीजिए, इसका मस्ती करना हो, ये ज़्यादा तो मेरे साथ ही ये होता है, लाड़ भी मार भी सबको, तो ऑल इन
ऑल इन वन, और इसको अभी मैं मारती भी हूँ, नहीं सोचती हूँ कि छोटा बच्चा है, तो चलिए अभी थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप कर लेती हूँ, बाद में हम खाना खाते समय फिर से हम आएंगे, क्योंकि आप लोगों को खाना भी है और बोली और दिखाई नहीं बोलेंगे ना, इसलिए हम चिकन बना रहे हैं, तो देखिए तो चल दिखाई देते हैं आजा। ओ मेरा ना गाइस कमर बहुत दुख रहा है, पता नहीं मैं क्यों इतना कमर दुख रहा है। एक्सक्यूज मी, आपका चिकन रेडी हो गया? नहीं ना, वीडियो बना बना नहीं करवाती। नहीं ना, पड़ा चुला है तो लेके खाना, यहाँ पे है चिकन, यहाँ पे है चावल, और यहाँ पे है मैं खाने वाली, तो हो गया। तो गाइस बना रहे हैं, अभी बना नहीं, अभी बना रहे हैं, तो चलिए थोड़ा टाइम के लिए मैं आज टीवी ही देख रही हूँ, और आज मेरा पर्दा लगा देंगे, पर्दा हाँ यहाँ पे एक पर्दा लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ओपन होगा दरवाजा, ओपन रखेंगे अभी, तो इस वजह से। और यहाँ पे हमारा छोटा डॉन, छोटा डॉन मैं इसको नहीं बोलती हूँ, मेरा छोटा डॉन तो वही था। बाबू हाय कर दे, हाय बोल, हाय बोल दिया, बोल दिया, हाय। कितना क्यूट दिखता है यू मग, मुझे कैसा दिखता है, देख मुझे, देख ना देख। तो ये यहाँ पे है, और यहाँ हमारा पट्टा लग चुका है आज, और यहाँ हमारा बाप इधर खड़ा जा मेरे साथ। गाइस देखिए मैं एक ही लगाई हूँ आज, लाके देख सकते हैं, ये एक लगाई हूँ, और ऊपर मान लक्ष्मी जी का वो लगाई हूँ, फुल दरवाजा में दरवाजा लगा देखिए चेंज हो गया। हाँ और एक ही लगाई हूँ, ज़्यादा पिकता था। चलिए गाइस दरवाजा दे देते हैं, और अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो खाना खाएंगे और उसके बाद टाइम पास चाली छतार। सो गाइस तो देखिए यहाँ पे इतना सा चिकन है, अभी हम खाएंगे, थोड़ा सा भुजा वाला खा लिए, और अभी लाइक। सो गाइस देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं अभी, तो हमारा खाना उधर है, देखिए डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में नहीं बैठेंगे, सब नीचे ही बैठ के खाएंगे, आदत नीचे हो गया है ना, इसके वजह से ज़मीन में बैठेंगे तो पूरा फैला के रखना पड़ेगा, वो हमारा डाइनिंग टेबल थोड़ा सा छोटा है इसके वजह से, और टीवी साउंड आता है, ये हर समय न्यूज़ लगा के ही रहता है घर पे, हम लोगों को देखने कभी नहीं देगा, उसी का ही चलेगा न्यूज़, ये न्यूज़ देख के क्या मिलता है पता नहीं, देखिए न्यूज़ हम लोग खाते समय कभी पिक्चर लगाएंगे बोलेंगे ना, तो ऐसे ही न्यूज़ लगा के। तो गाइस चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर से मिलेंगे, आप लोग रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में, तो मैं अभी खाना खा के फिर मिलूंगी आप लोग।